हेलो एवरीवन, दिस इज विकास एंड यू आर वाचिंग माय चैनल लर्न इंग्लिश विद विकास कुमार। सो गाइस, इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल 10 इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स दैट विल हेल्प यू टू रेज योर फ्लुएंसी इन स्पोकन, यानी स्पोकन में आपकी फ्लुएंसी को डेवलप करने में मदद करेगी ये सभी एडजेक्टिव्स। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो इस आउटस्टैंडिंग इज बहुत अच्छा, जबरदस्त। इन द प्लेस ऑफ आउटस्टैंडिंग यू कैन यूज एक्सलेंट, एक्सट्रीमली गुड। एग्जाम्पल्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग प्लेयर, आउटस्टैंडिंग मूवी, यानी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस, बहुत ही अच्छा प्लेयर। ओवरनाइट मीन्स रातों रात, ही बिकेम फेमस ओवरनाइट, वह रातों रात फेमस हो गया। वर्ड इज योर मैंडेटरी, MENDATORY, मैंडेटरी मीन्स अनिवार्य, आप कंपल्सरी भी कर सकते हो। इट इज़ मैंडेटरी टू अपडेट योर आधार कार्ड को अपडेट करना अनिवार्य है। तो आपने सीखा मैंडेटरी। नेक्स्ट वर्ड माइनर, MINOR, माइनर मीन्स छोटा, लघु या नाबालिग। अंडर एज का मतलब ही नाबालिग होता है। माइनर एक्सीडेंट, माइनर ऑपरेशन, माइनर सर्जरी, यानी छोटा दुर्घटना, छोटा ऑपरेशन, छोटा सर्जरी। नेक्स्ट वर्ड माइल्ड, MILD, माइल्ड आप इसे पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है हल्का, नरम, सुहाना। माइल्ड फीवर, हल्का सा बुखार। माइल्ड अटैक, हल्की सी चोट या हमला। माइल्ड हेडेक, मतलब हल्का सा माथा दर्द। नेक्स्ट वर्ड है आपका म्यूचुअल, MUTUAL, इट मीन्स आपसी या पारस्परिक। म्यूचुअल एडवांटेज, पारस्परिक लाभ या तो आपसी लाभ। म्यूचुअल अफेक्शन, आपसी प्रेम। नेक्स्ट एडजेक्टिव है मिस्टीरियस, इट मीन्स रहस्यमय। मिस्टीरियस डेथ, रहस्यमय मृत्यु। मिस्टीरियस क्राइम, रहस्यमय क्राइम, अपराध। नेक्स्ट वर्ड शार्प, SHARP, शार्प का मतलब तेज, धार वाला। शार्प ब्लेड, यानी धार वाला ब्लेड। शार्प पेंसिल, शार्प टीथ, आप एग्जांपल से इसको यूज करने भी आप सीख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड मैग्निफिसेंट का मतलब भव्य, शानदार। मैग्निफिसेंट कैच, शानदार कैच। मैग्निफिसेंट हॉर्स, शानदार घोड़ा। नेक्स्ट वर्ड इंटेलेक्चुअल मीन्स विद्वान या बुद्धिजीवी, प्रतिभा संपन्न। इंटेलेक्चुअल आइडिया, मतलब बहुत ही बड़ा आइडिया, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। नेक्स्ट वर्ड इंस्पायरेशनल का मतलब होता है प्रेरणादायक। इंस्पायरेशनल लेक्चर, प्रेरणादायक लेक्चर। इंस्पायरेशनल स्टोरी, प्रेरणादायक कहानी। अगला वर्ड है आपका इम्पैशंट, इस वर्ड का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। इम्पैशंट का मतलब उतावला, बेचैन, जल्दबाज। शी वॉज इम्पैशंट टू मीट हर फ्रेंड, वो अपने दोस्त से मिलने के लिए काफ़ी उतावला थी। फोर्थ कमिंग, नेक्स्ट वर्ड आपका है फोर्थ कमिंग, जिसका मतलब आगामी, अगला या आने वाला। फोर्थ कमिंग एल्बम, मतलब आने वाली एल्बम। फोर्थ कमिंग इलेक्शंस, आने वाली चुनाव। फोर्थ कमिंग इलेक्शन, इसका इस्तेमाल भी न्यूज़पेपर वगैरह में काफ़ी ज़्यादा होता है। दिस इज़ कैजुअल, कैजुअल का मतलब होता है आकस्मिक, कभी कभार होने वाला। कैजुअल क्लोथेस। सो गाइस, दीज आर 10 एडजेक्टिव्स विच आर मोस्टली यूज्ड इन स्पोकन इंग्लिश। आई एडवाइज यू ऑल टू लर्न इट एनी हाउ।